फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर आपके एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 डिवीजन चल रहा था, और उसके लास्ट आपके एक्सरसाइज की सिलेबस है हाइट डी, और उसके अंदर हमने वर्ड प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम के अंदर हमने 1-5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 6 और आपके पेज नंबर में बता देता हूँ, वापस 71 पेज पे है एक्सरसाइज 5B। ओके, ये आपके ले रखी एक्सरसाइज। और इसके अंदर अपर पेज नंबर क्वेश्चन है, 12 स्टूडेंट्स कैन सीट ऑन ए बेंच, हाउ मेनी बेंचेस आर नीडेड फॉर 1840। एक बेंच पे आपके कितने स्टूडेंट बैठते हैं? 12 स्टूडेंट बैठते हैं। ओके, तो आप टोटल स्टूडेंट है 1840 स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए अपन को कितनी टेबल की या बेंच की नीड है वो अपन को फाइंड करनी है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर आपके 1840 के अंदर डिवाइड करेंगे 12 से, तो अपन को उसकी कितनी नीड है बेंच से उनके फाइव नंबर हो जाएंगे। ओके, तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और नेक्स्ट है आपके 5D। कितने स्टूडेंट के लिए अपन 1840 के अंदर 12 से डिवाइड किया, तो 1153 है, तो अपन को 53 तो बेंच है, नीड कंपलसरी है, प्लस में 4 स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, तो उन्हीं को बेंच में बिठाएंगे, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा बेंच अपन को अवेलेबल कराने होगी। तो कितनी हो जाएगी आपकी टोटल बेंच है, टोटल बेंच कितनी हो जाएगी 153 एंड और स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट स्टूडेंट के लिए 4
वन बैंक कितनी, वन बैंक की नीड होगी वन लैक, तो कितनी हो जाएगी टोटल, टोटल मैच इजिकल टू 154, क्योंकि 153 पैसे में तो 12 स्टूडेंट आराम से इसीलिए एक ही सीख नंबर पे बैठ जाएंगे सभी पे इक्वल बेंच, वन पे भी 12 और टू पे भी 12, थ्री पे 12, ऐसे 153 बेंचे पे तो 12 स्टूडेंट बैठ जाएंगे। फिर आपके स्टूडेंट कितने बच रहे हैं लेफ्ट में फोर, तो उनके लिए भी अपन को एक अलग से बेंच अवेलेबल कराने होगी, तो उनके एक्स्ट्रा के लिए वो कितने हो जाएगी 153 प्लस 1 कितने हो जाएगी 154। नॉट इजी आपके आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, देयर आर 98,028 न्यूज़पेपर, 75 न्यूज़पेपर वॉज डिलीवरी दी पेपर ऑफ वेरियस एरिया, हाउ मैनी पेपर डज ईच वॉज डिलीवरी एंड हाउ मैनी आर लेफ्ट। तो इसमें लेफ्ट में कितने यानी रिमाइंडर और क्वेश्चन है फाइंड करना है। ओके सॉल्व करते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन, अब इसके अंदर अपन को क्या करना है लेफ्ट में कितने हाउ मेनी न्यूज़पेपर डज ईच वॉज डिलीवरी, मतलब ईच वॉज कितने न्यूज़पेपर डिलीवरी करते हैं और लेफ्ट में न्यूज़पेपर कितने रहते हैं वो अपन को फाइंड करना, मतलब एक ही स्टूडेंट एक वॉइस कितना न्यूज़पेपर डिलीवरी करते हैं। ओके तो इसलिए अपन को क्या करना होगा इसके अंदर डिवाइड करना होगा फाइंड न्यूज़पेपर एंड लेफ्ट लेफ्ट न्यूज़पेपर लेफ्ट न्यूज़पेपर ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर डिवाइड करेंगे 9802 के अंदर डिवाइड कितने करेंगे 75 से, आपको डिवाइड नहीं आ रहा इतना काफी से ऐसे करना डिवाइड 9 2 9 8 0 2 8 75 से 1 10 75 में हो गए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 और 2 23, फिर नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे इसमें हो जाएंगे 230 के अंदर आपके 3 टाइम्स डिवाइड होगा 225। ओके माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे 5, नेक्स्ट नोट करेंगे नंबर कितने 2
52 के अंदर जब डॉलर नहीं है पर क्या ऐसा लगेंगे जीरो और यहाँ पे नंबर नोट करेंगे 8520 8 इसके अंदर आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएंगे इसका ये 3 टाइम हुआ 200 इसका डबल कर देंगे कितना हो जाएंगे 4 टाइम में आंसर बचता 450 इसके अंदर चैनल प्राइस ऐड करो 5 और 12 कितने टाइम हो जाएंगे 5 टाइम कितने टाइम 5 75 को 5 से मल्टीप्लाई करना 5 2 और 36 7 टाइम हो जाएंगे कितने 7 टाइम 5 2 8 5 और लेफ्ट में कितने रहेंगे 3 ओके 3 बस सब्जेक्ट 300 7 डिलीवरी बॉय ने और लेफ्ट में न्यूज़पेपर कितने आपके इसके अंदर लेफ्ट हो जाएंगे 3 ओके तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 1307 डिलीवरी बॉय डिलीवरी बॉय एंड 3 न्यूज पेपर 3 न्यूज पेपर लेफ्ट नॉट की भी यही आपने आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर एक नंबर कहते देंगे द प्राइस मेनी ऑफ 6633 वाज डिस्ट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट 11 प्लेट है उनके बीच में आपको अमाउंट दे लेकर और उनके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है ओके क्लियर गेम हाउ मच डिड ईच प्लेयर गेट ईच प्लेयर को कितना अमाउंट फाइंड होता है वो आपको फाइंड करना है ओके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 टोटल प्राइस मनी टोटल प्राइस मनी कितने दे रखे हैं 6000 रुपीस के अंदर 6633 ओके distributed 11 ओके डिस्ट्रीब्यूट कितने के प्लेयर के बीच में करनी है 11 प्लेयर के बीच में ओके कैसे कर लाएगा वो लिख डिस्ट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट 11 प्लेयर ओके
तो क्या करना होगा अपन को इसके अंदर 11 से डिवाइड करेंगे इसको। ओके प्लस ऑफ इगेट। ओके 6633 अपॉन 11 डिवाइड कर दो कितना आ जाएंगे 6633 11 से 6 times 63 ये माइनस 0 0 3 नॉट करेंगे तो क्या आ जाएंगे 63। ओके और कितने टाइम 603 रुपीज पर प्लेट। ओके नॉट डिजिट इस प्लेट कितने अमाउंट फाइंड होगा 603 रुपीज फाइंड होगा। ओके 603 रुपीज इस प्लेट मनी फाइंड करेगा। नॉट डिजिट नेक्स्ट है आपके लाइन नंबर सिस्टम देर आर 30,744 एप्पल्स टू बी पैकेट इनबॉक्स इनबॉक्स के अंदर आपके दे रखे इतने एप्पल्स ईच बॉक्स कैन कंटेन ईच बॉक्स के अंदर 36 एप्पल्स हैं हाउ मैनी बॉक्सेज आर नीडेड फॉर ऑल द एप्पल्स टू बी पैकेट। तो ऑल बॉक्स के अंदर कितने बॉक्स के अपन को नीड होगी जो इनके एप्पल के लिए जरूरत है। तो ये आपको क्या करोगे 36 से डिवाइड कर देना। आपको खुद को सेल्फ होमवर्क में करना है। वन क्वेश्चन आपको मैंने दिया है 9 नंबर क्वेश्चन है होमवर्क में करना आपको। ओके सेल्फ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 9 नंबर इज सम ऑफ 96,525 इज टू बी डिवाइडेड इक्वल अमाउंट 46%। How much will each person receive and how much will be left? तो left में कितना होता है और each person कितने receive amount find करता है वो अपन को क्या करना है find करना है। Okay? So अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इन सम ऑफ रुपीज के अंदर दे रखे 96,525 इज टू बी डिवाइडेड टू बी डिवाइडेड इक्वल और 46% ओके फाइंड करना ईच गेट ईच पर्सन रिसीव एंड लेफ्ट अमाउंट। ओके तो कहते हैं क्या कर देगा 96,525 के अंदर डिवाइड करेंगे किससे 46 से। ओके डिवाइड आप कैसे नहीं आ रहा तो इस टाइप से करना आपको 96,525 से कितने टाइम हो जाएंगे 2 times कितना हो जाएंगे इसका 92 हो जाएंगे। ओके माइनस करेंगे इसमें 4 फिर नेक्स्ट डिजिट नॉट करेंगे कितना आ जाएंगे 5। ओके अब 45 के अंदर 46 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये स्मॉल नंबर से। ओके फिर क्या करेंगे
या जीरो से नेक्स्ट चीजें ड्रॉ करेंगे कौन से टू। ओके अभी कितने टाइम हो जाएगा फिफ्थ टाइम और नाइन्थ टाइम हो जाएगा कितने नाइन्थ टाइम कितने हो जाएगी मल्टीपल करा दो नाइन सिक्सा 54 फाइव माइनस 36 36 और 5 40 और ओके रिमाइंडर माइनस करते हैं कितना आ जाएंगे 12 12 में से और लेफ्ट गेम कितना आ गया 8 और 4 में से 1 लेफ्ट गया तो 3 या 5 के या 4 से लगा दिया 4 ला ओके 30 8 सिग्नल चीजें कौन से 5 आउट करते हैं 5 अब कितना टाइम डिवाइड हो जाएगी आपके 46 को 5 टाइम मल्टीपल कराते कितना आ जाएंगे 40 36 है डिवाइड करो सिक्स टाइम कर रहे हैं और 46 कितने हो जाएंगे तो आपके 8 टाइम हो जाएंगे कितने 8 टाइम ओके अब 46 के 8 से मल्टीप्लाई कर दो 8 की जो 48 और 4 से 8 4 से 8 4 से हो जाएंगे आपके 32 और 33 माइनस करो कितना आ जाएंगे 7 15 15 में से 8 लेस के 7 यहाँ पे 7 आपके एन को ला गए तो ई फर्स्ट टाइम को रिसीव कितना हो गए ई फर्स्ट टाइम रिसीव अमाउंट कितने रुपीज हो गए 2098 एंड लेफ्ट लेफ्ट से कितना देंगे 70 रुपीज कितने 70 और चीजिए आपके आंसर है और इस आंसर के साथ आपके एक्सरसाइज एंड फिनिश हो गई है कंप्लीट और चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है होमवर्क के अंदर आपके पेज नंबर 72 है पेज नंबर 72 पे यहाँ पे ऊपर से देने का चैप्टर टेस्ट आपको ये चैप्टर टेस्ट सॉल्व करना है ओके। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।